Hello student welcome to my channel educational buddha and today we will discuss chapter number 9th of class 4th math magic textbook and chapter name is halves and quarters of ncrt textbook and this video is useful for all cbsc board school like all kendri vidyalayas and this is the Third part of this video, sorry, of this chapter, and here we will discuss from page number 101 to 106. So let us start our video. Page number 101, practice time, question number A What part of the whole is colored? right below each shape okay here we can see rectangle is divided into two equal parts and one part is colored that means one by two part of this rectangle is colored and here one two three and four four रेक्टेंगल इज डिवाइडेड इंटू फोर इक्वल पार्ट एंड ओनली टू पार्ट ऑफ दिस रेक्टेंगल इज कल एंड इन अदर वे हाफ ऑफ रेक्टेंगल इज कल एक और से अगर देखें तो चार में से दो को कलर किया गया है और हाफ को भी कलर किया गया है दैट इज वाई वी कैन राइट लाइक दीस टू बाई फोर और वन बाय टू टोटल फोर कलर्स है टोटल फोर पार्ट्स है उसमें से टू पार्ट्स को कलर किया गया है दैट मीन्स टू पार्ट आउट ऑफ फोर टू पार्ट आउट ऑफ फोर और वन बाई टू दैट मीन्स हाफ ऑफ रेक्टेंगल इज कलर क्वेश्चन नंबर बी कलर दैट पार्ट ऑफ द शेप विच इज रिटर्न बिलो हाफ थर्ड फोर्थ थर्ड फोर्थ वन फोर्थ हाफ एंड थ्री फोर्थ ये जितने भी यहाँ पे शेप्स दिए गए हैं उसके नीचे जो फ्रैक्शन दिया गया है उतने पोर्शन को हमें कलर करना है तो दिस इज द आंसर हाफ पोर्शन ऑफ दिस वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एंड एट एट दैट मींस ऑक्टागोन हाफ पोर्शन ऑफ दिस ऑक्टागोन इज कलर्ड हियर 3 portion out of 4 3 fourth of circle is colored and 1 2 3 4 5 and 6 6 sides that mean hexagon so 3 part out of 4 of this hexagon is colored here 1 4th 1 part out of 4 of this rectangle is colored and here total 1 2 3 4 5 and 6 this

ड्रॉ अ लाइन विच डिवाइड्स दीज शेप्स इंटू हाफ यहां पे जितने भी शेप्स दिए गए हैं उनको हाफ में डिवाइड करते हुए हमें लाइन ड्रॉ करनी है फर्स्ट वी हैव टू ड्रॉ लाइन लाइक दिस इस तरीके से हम ड्रॉ करेंगे सो दिस काइट इज डि कैन बी डिवाइडेड इन टू टू हाफ तो ये काइट है उसको हम दो हाफ में डिवाइड कर सके अब यहां पर जो स्टार दिया गया है उसको हम वन टू थ्री फोर एंड फाइव डिफरेंट वे डिवाइड कर सकते हैं मैं आपको थ्री वेज दिखाता हूं फर्स्ट वे सेकेंड एंड दिस इज थर्ड वन आप देख सकते हैं इक्वल पार्ट में मैंने डिवाइड किया है ऑल्सो तीनों के तीनों वे मैंने एक साथ आपको दिखा दिए एंड दिस बिग पंप किन डिवाइडेड लाइक दिस इस तरीके से हम लाइन ड्रॉ करके इसको डिवाइड कर सकते हैं पेज नंबर 102 क्वेश्चन नंबर डी कलर हाफ द नंबर ऑफ शेप एज शोन ओकेर वी कैन सी देर आर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एंड एट रेक्टेंगल आर देर एंड हाफ ऑफ रेक्टेंगल दैट मीन वन टू एंड फोर रेक्टेंगल्स आर कलर चार को कलर किया गया है तो यहां पर भी हमें हाफ को कलर करना पड़ेगा यहां पर भी हमें हाफ को कलर करना पड़ेगा So here there are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 circles and half of 18 is 9. That means 3, 6, 3 and 3, 6, 7, 8 and 9. 9 circles are colored and here half flowers are colored. You can see here. Question number D, E, sorry, E. कलर वन फोर्थ ऑफ दीज शेप्स वन फोर्थ दैट मींस वन पार्ट आउट ऑफ फोर चार पार्ट्स है उसमें से ओनली एक पार्ट्स को ही कलर करना है तो यहां पे ऑलरेडी चार है तो एक ही को कलर करेंगे यहां पर भी ऑलरेडी चार क्यूब है तो एक ही को कलर करेंगे बट हियर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एंड एट ड्रॉप्स है तो अगर इसको हम फोर पार्ट में डिवाइड करेंगे तो एक पार्ट में आएंगे टू तो यहां पे हमें टू को कलर करना पड़ेगा लाइक दिस ओके नेक्स्ट प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर एफ मैच द कलर्ड पार्ट एज शोन हाफ वन फोर्थ होल एंड थ्री आउट ऑफ फोर दैट मींस थ्री अपॉन फोर Quarter, half, three quarters whole, and three by four, four by four, one by two, and one by four. This is half, that means half, and half is written like this. Okay, one part out of three, that means quarter, and quarter, that means one part out of four, written like this. Whole octagon is colored, that means whole, and 4 out of 4. 4 out of 4 is colored. Here, 3 out of 4, that means 3 quarter, and 3 out of 4, that means 3 by 4. Next, page number 103, question number G. Make the other half. Half of the picture is drawn here.

मैंने यहां पे हाफ पोर्शन और ऐड किया है और हमें हाँ पूरा पिक्चर मिल गया फ्लावर्स बटरफ्लाई एंड एंड ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एच दिस इज अ क्वार्टर ऑफ अ पिक्चर कैन यू कंप्लीट इट हाउ मेनी मोर क्वार्टर विल यू ड्रॉ टू कंप्लीट इट ओके दिस इज द क्वार्टर पार्ट ऑफ सन एक क्वार्टर पार्ट है अगर हम इसे कंप्लीट करना चाहते हैं तो वी हैव टू ड्रॉ थ्री मोर क्वार्टर हमें तीन और क्वार्टर को ड्रॉ करना पड़ेगा लाइक दिस वन टू एंड थ्री क्वार्टर और एड करने पड़ेंगे तब जाके हमें पूरा सन मिलेगा so, ये क्वेश्चन फॉर यू हाउ मेनी मोर क्वार्टर विल यू ड्रॉ टू कंप्लीट इट ऑलरेडी एक पोर्सन दिया गया था हमने कितने क्वार्टर ड्रॉ किए वन टू एंड थ्री दैट मीन्स वी हैव टू ड्रॉ थ्री मोर क्वार्टर टू कंप्लीट द होल सन नेक्स्ट पोर्सन हाफ एंड क्वार्टर ऑफ मीटर यूजिंग योर मीटर स्केल कट अस्ट्रिंग ऑफ वन मीटर And remember one meter equals one hundred centimeter. On this string, mark the length of half meter, one fourth meter, and three fourth meter. And using your string, draw a line of length, half meter on the floor. How many centimeters long is the line? okay one meter equals 100 centimeter so half meter equals half of 100 centimeter what is half of 100 50 centimeter half meter equals 50 centimeter so page number 104 so half meter equals 50 सेंटीमीटर एंड वन फोर्थ मीटर इक्वल्स हाउ मेनी सेंटीमीटर वन फोर्थ दैट मींस हाफ ऑफ हाफ आधे का भी आधा करना है हियर हाफ दैट मींस 50 सेंटीमीटर सो व्हाट इज हाफ ऑफ 50 50 का हाफ क्या होगा 25 सेंटीमीटर यस सो 1/4 मीटर इक्वल्स 25 सेंटीमीटर एंड 3/4 सेंटीमीटर दैट मींस हाउ मेनी सेंटीमीटर सॉरी थ्री फोर्थ मीटर इक्वल्स डेस सेंटीमीटर थ्री फोर्थ दैट मींस थ्री पार्ट्स आउट ऑफ फोर पार्ट्स चार हिस्सों में डिवाइड करना है उसमें से तीन हिस्से लेने हैं तो एक हिस्से में तो आता है 25 सेंटीमीटर वैसे तीन हिस्से लेने हैं तो 25 25 25 25 प्लस 25 plus 25 75 सेंटीमीटर Now next topic page number 104 sharing milk this bottle is full of milk and it holds one liter. The milk is put into four other bottles so that each bottles has one fourth liter of milk. This bottle is full of milk and it holds one liter. एंड वी हैव टू फो वन फोर्थ लीटर ऑफ मिल्क इन दिस बोटल इसमें एक लीटर दूध है उसमें से हमें वन फोर्थ वन फोर्थ वन फोर्थ वन फोर्थ चार हिस्सों में डिवाइड करके इक्वल करना है और इसमें हमें फोर करना है डालना है एंड शेड द बॉटल्स टू शो दिल्क इन इच लाइक दिस तो इसमें हमने मिल्क डाल दिया One fourth liter, one fourth liter, one fourth liter and one fourth liter. And remember one liter equals one thousand milliliter. So question is how many milliliters of milk does each bottle have? Each bottle have one fourth liter. So question is one fourth liter equal how many milliliter? वी हैव टू डिवाइड 1000 इनटू फोर इक्वल पार्ट्स। अगर 1000 को चार इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें, तो एक पार्ट में क्या आएगा कभी भी कोई भी चीज को चार इक्वल में, पार्ट में डिवाइड करना है तो एक सिंपल सा तरीका है कि उसको हाफ कर दो और हाफ को फिर से हाफ कर दो सपोज 1000 को हाफ करो तो फाइव हंड्रेड मिलेंगे तो ये तो हाफ हाफ हो गया अभी तक हमें वन फोर्थ मिला नहीं है तो 500 को फिर से हाफ करो तो 250, 250 मिलेगा तो 250, 250 250 एंड 250 हमने चार हिस्सों में डिवाइड कर लिया 1000 को सो वन पोर्शन आउट ऑफ फोर्थ दैट मींस वन फोर्थ लीटर तो वन फोर्थ में कितना मिलीलीटर आएगा 250 मिलीलीटर

पेज नंबर 105 बैलेंस द वेट ओके हियर 1 kg 500 ग्राम 500 ग्राम 250 250 200 ग्राम 50 ग्राम 250 ग्राम 200 एंड 100 ग्राम वेट्स आर गिवन इतने वेट्स हमें यहां पे दिए गए हैं चूज फ्रॉम द वेट्स एबो टू मेक द टू पेंस इक्वल इन हाउ मेनी वेज कैन यू डू इट यू कैन यूज ओनली गिवन वेट्स यहां पर आपको जो भी वेट्स दिए गए हैं उसका ही आप यूज कर सकते हो और हमें इस बैलेंस को बैलेंस करना है दोनों पेन को बैलेंस करना है सो इन हाउ many वेज कैन वी बैलेंस इट कितने वेज है हमारे पास हम बैलेंस कर सके वल्स वन थाउजेंड ग्राम एंड हि टू के जी दस टू के जी इक्वल्स टू थाउजेंड ग्राम तो यहां पर भी हमें टू थाउजेंड ग्राम को रखना पड़ेगा और कितने तरीके से रख सकते हैं सो फॉलोइंग आर द डिफरेंट वेज इन विच वी कैन मेक द टू पैंस इक्वल फर्स्ट वन के जी प्लस फाइव हंड्रेड ग्राम प्लस फाइव हंड्रेड ग्राम इक्वल्स टू थाउजेंड ग्राम दिस इज द फर्स्ट वे सेकेंड 1 kilogram plus 500 gram plus 250 gram plus 250 gram equals 2000 gram. This is the second way. 1 kg plus 500 gram plus 250 gram plus 200 gram plus 50 gram equals 2000 gram. Third way. 1 kg plus 500 gram plus 200 gram plus 200 gram plus 100 gram equals 2000 gram. फोर्थ वे टू थाउजेंड ग्राम दिस इज फिफ्थ वे और भी बहुत सारे वे है, रास्ते हैं जिससे आप टू के जी बना सकते हैं जरा आप अपना दिमाग लगाए और बनाए मैंने यहाँ पे आपके सामने पांच तरीके से के जी बना के दिखाया है तो यहाँ पे फर्स्ट वाला वन के जी फाइव हंड्रेड एंड्रेडी पे ड्रॉ तो कर लिया है और पेन को बैलेंस भी कर लिया है फाइव हंड्रेड फाइव हंड्रेड एंड वन के जी इक्वल्स 2 kg तो 2 kg यहां पर भी है 2 kg यहां पर भी है तो ये पेन है दोनों वो बैलेंस हो जाएंगे क्स्ट क्वेश्चन सेम पेज क्वेश्चन नंबर बी इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन यू बैलेंस दिस वेट इन टू थ्री फोर्थ के जी नाउ वी हैव टू मेक थ्री फोर्थ के जी फ्रॉम दिस वेट्स यहां पर जितने वेट्स हमें दिए गए उसमें से ही थ्री फोर्थ के जी बनाना है तो फर्स्ट वॉट इज थ्री फोर्थ के जी ये पहले पता करते थ्री फोर्थ के जी है क्या

तो हमें डिफरेंट तरीके से 750 ग्राम्स बनाना है तो फर्स्ट वे 500 ग्राम, 200 ग्राम एंड 50 ग्राम इक्वल 750 ग्राम, सेकंड वे 250 ग्राम, 250 ग्राम प्लस 250 ग्राम 750 ग्राम, सेकंड वे एंड 250 ग्राम, 250 ग्राम, 200 ग्राम एंड 50 ग्राम इक्वल्स 750 ग्राम एंड फोर्थ वे 50 ग्राम 500 ग्राम 250 ग्राम इक्वल्स 750 ग्राम हमें सिर्फ तीन तरीके से 750 ग्राम बनाना था मैंने यहां से चार तरीके से बनाया है और भी तरीके आप सोच सकते हैं पेज नंबर 106 टॉपिक इज व्हाई इज इट रॉन्ग कैनन सिरेट सम पार्ट्स एज शोन But his friend Mini says that is wrong. Explain why it is wrong. Okay, here Canon said rectangles like this and triangle like this. And Canon wrote one fourth of rectangle is colored, but Mini says this is wrong. And again, Canon says half of this triangle is colored, but Mini says you are wrong. मिनी ने बोला दोनों तरीके से कैनन रॉन्ग है सो वाई इज इट रॉन्ग ये गलत क्यों है देखिए इफ वी ड्रॉ स्टैंडिंग लाइन इन दिस रेक्टेंगल लाइक दिस वी कैन इजीली फाइंड देर आर वन टू थ्री फोर एंड फाइव इक्वल पार्ट्स दिस रेक्टेंगल इज डिवाइडेड इनटू फाइव इक्वल पार्ट्स एंड आउट ऑफ आ

और ये जो कलर किया गया है वो हाफ से बहुत कम लग रहा है तो हाफ भी नहीं आएगा तो यहाँ पे हाफ जो लिखा है कैनन ने वो रोंग है प्रैक्टिस टाइम क्वेश्चन नंबर वन देयर आर सिक्सटी मैंगोज एंड हाफ ऑफ देम आर राइप हाउ मेनी मैंगोज आर राइप टोटल नंबर ऑफ मैंगोज इक्वल सिक्सटी So, half of them are ripe is given. Half of them are ripe. That means half of 60 mangoes are ripe. Therefore, ripe mangoes equal half of 60. Half of 60, that means 60 divided by 2. And what is the answer of 60 divided by 2? 60 divided by 2 equals 30 so our answer is 30 mangoes hence 30 mangoes are ripe there are 32 children half of them are girls so how many children are boys so total number of children equal 32 and half of them are girls so obviously हाफ ऑफ दर बॉयज अगर हाफ गर्ल्स है तो जो बच गए हाफ वो बॉयज ही होंगे ऑफ बॉय इक्वल हाफ ऑफ थर्टी टू एंड हाफ ऑफ थर्टी टू दैट मीन थर्टी टू डिवाइडेड बाय टू थर्टी टू डिवाइडेड बाई टू इक्वल सिक्सटीन सो आर आंसर इज सिक्सटीन बॉयज हैं Sixteen children are boys. Question number three there are twenty stars, a quarter of them are red. How many stars are red and how many are not red? The total number of stars equal twenty and one fourth one fourth that means quarter. वन वन ऑफ 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 देम आर रेड, रेड सो नंबर इक्वल ट्वेंटी का वन फोर्थ क्या होगा ट्वेंटी को फोर इक्वल पार्ट में डिवाइड करो और एक पार्ट ले लो तो फाइव 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 तो वन फोर्थ ऑफ ट्वेंटी इक्वल फाइव दैट मीन्स ट्वेंटी डिवाइडेड बाई फोर फाइव स्टार्स 5 stars are red. And number of stars which are not red equals total star minus red star. And total star are 20 and red star 5. That means 20 minus 5. So 15 stars are not red. So answer is 5 stars are red while 15 stars are not red. Last question. Ravi wants a pencil. It cost rupees 2. He gives a 1 rupee coin, 1 half rupee coin, and 1 quarter rupee coin. Is it enough? Ravi wants a pencil, and pencil costs rupees 2. 2 rupee ki pencil hai, and he gives 1 rupee coin, 1 rupee, half rupee, and quarter rupee.

7, 175 paise total. Ravi gives 175 paise and pencil cost is rupees 2. Rupees 2 that means 200 paise. So, he should give 2 rupees and 2 rupees that means 200 paise and he gives only 750 paise. So it is not enough. 25 paise. इज लेस 25 पैसे कम है अभी भी 2 रुपीस होने में वो कम दे रहा है दैट मींस इट इज नॉट इनफ तो जो भी बच्चों ने ये वीडियो पूरी की पूरी देखी है वो एक बार फिर से सारे के सारे क्वेश्चंस अपने मैथ की नोटबुक में जरूर से लिखें कॉपी नहीं करना है पहले एक बार लिखें इसके बाद वीडियो के साथ अपने आंसर्स मैच करें कि आपने कितने सही लिखे हैं और आपने कितने गलत लिखे हैं दिस इज एंड 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 ऑफ पार्ट चैप्टर कीप माई चैनल एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया है वहां पे सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल ना भूले वंस अगेन थैंक यू थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल